फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिशु के पापा चले गए हैं अपनी जॉब पे। मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ आज, दोनों वॉशरूम क्लीन करने हैं मेरे को। बहुत दिन से सोच रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज फोर्थ सैटरडे की दक्षु की है छुट्टी, वो हॉलीडे मना रहे हैं आज अपनी। ओहो, इसको मैं कहाँ रखने आ रही हूँ, यह तो खाली हो गया हार्पिक खाली हो गया। बहुत कॉल इन वगैरह भी ख़त्म हुआ पड़ा, सारी चीज़ें ना लेके आने वाली हैं और सारा सामान लेके आएंगे। चलो आज का तो मेरा काम हो जाएगा। इस वाले वॉशरूम में मैंने पहले ही हार्पिक वगैरह डाल दिया था और उधर भी डाल दिया है। थोड़ी देर 5-10 मिनट इसको रहने देती हूँ, उसके बाद फिर करते हैं इसकी क्लीनिंग स्टार्ट। बस दक्षु को बिठाया हुआ है उधर, एसी नहीं चल रहा, वैसे ही डोर बंद कर रखा है। दक्षु के पापा ना एसी ऑन करके वो अपने टर्बन बांधते हैं तो फिर गर्मी लगती है उनको इस वाले रूम में। वो वाला उधर छोटा वाला मिरर है ना, उसको लेके वहाँ एसी ऑन करके बांधते हैं। तो अभी वो चले गए हैं और अंदर रूम ना ठंडा था, पूरा चिल्ड हुआ पड़ा है रूम फैन ऑन करके। दक्षु को मैंने अंदर ही बिठा रखा है, मैंने कहा अंदर ही बैठो आप। सो गाइज, मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है अपने वॉशरूम की। एंड ये जो वॉशरूम है ना, ये मेरे मास्टर बेडरूम के जो साथ अटैच वॉशरूम है, ये वो वाला वॉशरूम है। और मेरे घर में एक्चुअली दो वॉशरूम्स हैं, दो रूम हैं। 2 BHK मेरा फ्लोर है, ये घर मेरा जो है 2 BHK, और दोनों रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम है। तो अब मुझे दोनों की क्लीनिंग करनी पड़ती है। सो मैं फिर एक दिन ऐसा टाइम निकाल लेती हूँ कि दोनों की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ मैं 15-20 दिन बाद। बाकी वैसे नॉर्मली डेली क्लीनिंग तो चलती रहती है टॉयलेट वॉशरूम की, आप सबको पता ही है हाइजीन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो हाइजीन रखना, हाइजीन मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो बस यहाँ पे मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है उसकी क्लीनिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। बाकी यही वाला वॉशरूम मोस्टली यूज़ करते हैं, जो दूसरा वाला है वो कम ही यूज़ हो पाता है, इमरजेंसी में यूज़ होता है। सो आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी कब पड़ती है इंसान को। सो जब घर पे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तब भी यूज़ हो जाता है दूसरा वाला वॉशरूम। बाकी इसकी क्लीनिंग हो चुकी है स्टार्ट और बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ आज मैं सारे वॉशरूम की। और बहुत बड़ा बाथरूम नहीं है ये वाला मेरा, ठीक है, नॉर्मल वॉशरूम्स हैं। और बट इसको मैंने बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है सारा सामान इसमें, सारी चीज़ें। तो इसीलिए आज फिर सारी चीज़ें हटा के सारा कुछ मैं क्लीन करने वाली हूँ, सब टाइल्स वगैरह सब क्लीन करूँगी। और बस काम करते करते बीच बीच में दक्षु की मस्ती भी स्टार्ट रहती है, उसके भी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है। काम करते करते उसको भी काफ़ी चीज़ें याद आ जाती हैं, मेरे को बार बार बुलाता रहेगा मम्मा इधर आओ ये वो। तो उसकी भी डिमांड्स मुझे ना काम करते करते बीच बीच में पूरी करनी पड़ती हैं। बाकी अपना वर्किंग जो मेरा ऑनलाइन वर्क है, ये मुझे ये भी देखना पड़ता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो और घर को संभालना तो आप लोग समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए वीडियो एडिट करने का टाइम मुझे मिल नहीं पाता, शूट कर लेती हूँ बाकी सारे काम हो जाते हैं, बट एडिटिंग करने के लिए मुझे कम से कम भी 5-6 आवर्स चाहिए होते हैं, 5-6 घंटे लगते हैं एक वीडियो को प्रॉपर अच्छे से प्रोफेशनली एडिट करने में, बस वही मुझे टाइम मिल नहीं पाता। सो फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे टाइम निकलता है, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है फ्री टाइम, तब मैं एडिट कर पाती हूँ वीडियोस को। और क्योंकि पूरा घर यार मेरे सिर पे होता है, हस्बैंड चले जाते हैं जॉब पे और फिर दक्षु को छोटा बेबी है मेरा बच्चा, उसको देखना, उसके सारी चीज़ें है ना, बच्चे को टेक केयर करना, उसकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान देना, क्योंकि मैंने ट्यूशन्स वगैरह नहीं लगा रखा उसको, अभी बहुत छोटा है तो मैं अभी अवॉइड कर रही हूँ उसके ट्यूशन्स वगैरह लगाना। तो उसको भी देखना और घर के सारे काम हो जाते हैं, आपको पता है कि हर चीज़ घर में बहुत सारे काम होते हैं, आप लोग समझ ही सकते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर भी मैं अपने काम को थोड़ा बहुत टाइम दे पाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरा और अच्छा शेड्यूल बन जाए कि मैं अपना प्रॉपर एडिटिंग को टाइम दूँ और प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पर डालूँ। क्योंकि बहुत से लोगों के कॉमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेजेस आते हैं कि मैं
डेली वीडियो क्यों नहीं डालती, तो बस मैं अभी कुछ बता नहीं सकती क्योंकि मैं अकेली हैंडल करने वाली हूँ अपने घर की सारी चीज़ें, तो इसीलिए हर चीज़ एक ही दिन में पॉसिबल हो नहीं पाती, तो ये सारे रीजंस होते हैं। और बस यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट है मेरी, बाकी मतलब बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कुछ भी हम काम करने लगते हैं ना, जैसे किचन क्लीन करना, बेडरूम क्लीन करना, और हर एरिया मैं नहीं दिखा पाती, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं शूट करके आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, किस तरीके से क्लीनिंग करती हूँ। तो बस अभी वॉशरूम की क्लीनिंग चल रही है और पूरी टाइल्स वगैरह मैंने ब्रश मार के अच्छे से ना, जो टाइल क्लीनर होता है वो डाल के बहुत ही अच्छे से मैंने क्लीन किया है अपने घर को, सॉरी अपने वॉशरूम को। एंड ये जो सामने सोप होल्डर लगा रखा है, इसमें भी ना गीला साबुन जैसे नहाने के बाद रखते हैं तो वो भी बीच बीच में उसमें ना लाइंस पड़ जाती हैं, जम जाता है, ये प्लास्टिक का ये होल्डर है, तो इसको भी अच्छे से ब्रश मार के मैंने सारा इसमें से सोप निकाल के इसको क्लीन करके लगाया है। और सेम ऐसे ही मैं अपने दूसरे वॉशरूम के लिए भी लूँगी, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से, बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया था, और आई थिंक मैंने हाँ इसकी वीडियो भी आप सबके साथ शेयर की थी, और एक ऐसा और मंगवाने वाली हूँ। सो बस यहाँ पे क्लीनिंग चल रही है एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करो दोस्तों, मेरे ना बीच में कुछ वीडियोस पे ड्यूरेशन कम हो गई थी, सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो, अगर टाइम नहीं होता तब भी वीडियो को ना आप ऑन इसको प्ले करके साइड में फ़ोन रख दिया करो ताकि मेरी वीडियो पूरी प्ले हो जाए और मुझे टाइम आउट पूरा मिल जाए। सो बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, इतना सपोर्ट अगर आप कर दोगे किसी यूट्यूबर के लिए मेरे लिए, तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, क्योंकि बस यही सपोर्ट की ज़रूरत है आप सबकी। तो और बस यही इतना ही कहना चाहूँगी, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करो वीडियो को, और प्लीज़ अगर कोई न्यू विज़िट करता है चैनल पे, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, जब भी विज़िट न्यू विज़िटर्स के लिए बोल रही हूँ जो न्यू विज़िट करता है चैनल पे। तो चलिए फाइनली मेरा पूरा वॉशरूम जो है वो क्लीन हो चुका है, अंदर से पूरा अच्छे से सफाई कर दी, टाइल्स वगैरह भी मैंने अच्छे से ब्रश मार के टाइल क्लीनर के साथ धो दिए हैं अच्छे से, और उसके बाद मैंने कॉटन के क्लोथ से टाइल्स को साफ़ भी कर दिया है, और अभी पूरा डोर भी क्लीन कर दिया है, साफ़ कर दिया है गीले कपड़े की हेल्प से। और जिस टाइम पे ये वीडियो मैंने शूट की थी ना उस दिन कॉलिन ख़त्म था, अदरवाइज़ मैं कॉलिन से सारे डोर्स क्लीन करती, बट अब तो आ गया है, नेक्स्ट मैं वीडियो क्लीनिंग बनाऊंगी। सो गाइस अभी एक वॉशरूम क्लीन कर दिया है मैंने, पूरा एक घंटा लग गया मुझे उसको क्लीन करते हुए, एक घंटा लग जाता है एक बाथरूम को अच्छे से डीप क्लीन करने में, मेरे को स्वेटिंग देखो कितनी आ रही है, और इतना अच्छा वर्कआउट भी हो रहा है ना मेरी बॉडी का, मेरे बॉडी से टॉक्सिन वगैरह सब निकल रही हैं, स्वेटिंग हो रही है, अंदर का जो ये फैट है ना ये सब बर्न होके निकल रहा है, सो बहुत अच्छा वर्कआउट हो गया मेरा काम करते करते। बस ये है कि मुझे ना अपनी ये आर्म है ना जो मेरी ये दर्द होती है, पेन होती है, इसमें बहुत बार बोल चुकी हूँ कि इसमें एक्सीडेंट की वजह से फ्रैक्चर आ गया था, तो बस मुझे इसका डर रहता है कि ये पेन होना स्टार्ट ना हो जाए, और मुझे पता आज डेफिनेटली पेन होगी ये शाम तक, जब आराम से बैठ जाऊंगी ना सारा काम ख़त्म करके फिर इसमें पेन स्टार्ट होगा, अभी तो मैं लगी हुई हूँ काम में तो इतना पता नहीं लगता। और एक मेरी बैक की प्रॉब्लम है आजकल ज़्यादा बढ़ गई है, सो इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, बट अगर मैं रेगुलर इस तरीके से वर्कआउट करूँ ना तो मेरा बहुत अच्छे से फैट बर्न हो जाए और मैं और ज़्यादा पतली हो जाऊँ, मज़ा आ जाएगा, बॉडी एकदम फिगर स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा। ये है कि ऐसा काम करने से ना हमारा वर्कआउट अच्छा हो जाता है, बॉडी सही रहती है, और घर का काम करने में तो क्या ही शर्म है ना भाई, अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, और इसी बहाने से वर्कआउट भी हो जाता है। तो बस अभी एक घंटा उधर लगा के आई हूँ, बस अभी ये वाला वॉशरूम क्लीन करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी, देन फिर मैं नहा के फ्री होंगी, फिर दोपहर में कुछ खाना वाना बनाते हैं, दोपहर तो ऑलमोस्ट हो ही गई है, बस इस वाले वॉशरूम में अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा या 20-25 मिनट लगेंगे, क्योंकि इधर वाला वॉशरूम ना कम यूज़ होता है और इसके टाइल्स वगैरह सब क्लीन है, सब इसके ये टैप वगैरह सब साफ़ सुथरी हैं, सिर्फ मुझे इसका फ्लोर भी साफ़ है वैसे तो, बट पानी तो मानना ही पड़ेगा, और बस मुझे पॉट और वॉश बेसिन वगैरह ये क्लीन करने, और इधर ज़्यादा ताम झाम है नहीं, ये बाथरूम भी कम यूज़ होता है और इधर सामान भी कम है, तो इसलिए इसमें बस 20-25 मिनट आधा घंटे के अंदर अंदर ये वाला मेरा इधर का काम हो जाएगा। बस मुझे ना ये बकेट तो मेरी साफ़ ही है, इतनी गंदी नहीं है, ये डस्टबिन अभी कूड़े वाले भैया कूड़ा लेके गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ये काम कर रही हूँ तो अब डस्टबिन को भी आज साथ में ही क्लीन कर दूँगी,
क्योंकि कपड़े धोने थे ना जिस दिन मुझे वॉशिंग मशीन लगाई थी, उस दिन मैं भूल गई। वैसे मैं वॉशिंग मशीन लगाती हूँ तब साथ में इसको धो देती हूँ, उसी वही पानी ले लेके तो अच्छे से साफ हो जाता है। तो अभी मुझे स्पेशल इसको अब क्लीन करना पड़ेगा, तो मैं ये भी लास्ट में कर दूँगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फटाफट से बाथरूम की क्लीनिंग, ज़्यादा बात किए बिना। तो चलिए अभी करते हैं दूसरे वाले वॉशरूम की क्लीनिंग। ये है मेरा सेकंड वॉशरूम, इसको अभी क्लीन करने आ गई हूँ मैं। इसमें ज़्यादा गंदा नहीं था क्योंकि ये कम यूज़ हो पाता है, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं की मैंने, बट थोड़ा बहुत टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी। और टॉयलेट और वॉश बेसिन ये तो नेसेसरी होता ही है क्लीन करना। और इस वाले वॉशरूम में ना मतलब इतना ज़्यादा वो भी नहीं है, जैसे मैंने उधर होल्डर्स वगैरह लगा रखे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर बस दो ही लगा रखे हैं एकदम कॉर्नर में राइट साइड में, जो कि अभी वीडियो में नहीं कैप्चर हो पा रहे, सो एंड में दिखाऊंगी आपको। और बस इसमें ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं, इसकी टाइल्स वगैरह वॉल्स वगैरह सब क्लीन थी, बट फिर भी हल्का हल्का नीचे नीचे की साइड में लगा के इसको क्लीन कर दूंगी। और ये मैंने एक प्लास्टिक का इसमें ब्रूम रखा हुआ है, इससे मैं पूरे अच्छे से ना नीचे फ्लोर को अच्छे से ये मार्बल जो लगा हुआ है नीचे इसको क्लीन कर देती हूँ। दूसरे वाला जो मास्टर बेडरूम है वहाँ पे मैंने एक बड़ा सा ब्रश रखा हुआ है, उससे ही क्लीन कर देती हूँ फ्लोर को और टाइल्स वगैरह को। बट इस वाले में ये प्लास्टिक का रखा हुआ है मैंने, क्योंकि इधर इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करनी नहीं पड़ती मुझे, तो इसी से फिर काम चल जाता है। सो बस अभी इसको क्लीन करूँगी, देन उसके बाद फिर बाकी घर की झाड़ू पोछा लगाने की क्लीनिंग स्टार्ट होगी। वो तो खैर मैं नहीं इसमें व्लॉग में दिखा पाऊँगी, वो तो अलग किसी वीडियो में, कभी पूरे हाउस क्लीनिंग की वीडियो बनाऊँगी कि किस तरीके से मैं पूरे अपने घर को क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ, उसकी वीडियो भी बहुत टाइम हो गया मैंने बनाई नहीं इस वाले घर में आके, तो मैं दिखाऊँगी आप सबको, वो भी शेयर करूँगी। सो अभी फ़िलहाल वॉशरूम मेरे दोनों आज अच्छे से डीप क्लीन हो जाएंगे, तो तब जाके तसल्ली मिलेगी। नॉर्मली तो देखो हम करते ही हैं, रेगुलर यूज़ होता है वॉशरूम्स वगैरह, तो रेगुलर हम नॉर्मल क्लीनिंग तो करते ही हैं डेली नहाने से पहले, है ना। बट एक होता है कि अपने वॉशरूम्स को या अपने घर को, अपने बेडरूम किचन को डीप क्लीन करना, अच्छे से एक एक चीज़ को उठा के साफ़ करना, तो वो आज मैंने वॉशरूम्स में किया है। तो साथ में डस्टबिन भी रख लिया था ये वाला, ताकि इसको भी साथ में क्लीन कर दूं, ये भी काफ़ी गंदा हो रहा था। वैसे मैं डस्टबिन ना जब कपड़े वगैरह जिस दिन धोने का काम होता है मैं उस दिन धोती हूँ, तो इसको साथ में ही रख लेती हूँ, तो जितना सर्फ का पानी वहाँ से एक्स्ट्रा निकलता है तो उसी से क्लीन कर देती हूँ, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन हो जाता है। तो चलिए आज मैंने इसको टाइल क्लीनर से ही क्लीन कर दिया, बहुत ही अच्छी खुशबू है जो टाइल क्लीनर मैं यूज़ करती हूँ ना, राजमंदिर जो हाइपरमार्केट है वहाँ से लेके आई थी मैं। तो चलिए जी, इधर वाला वॉशरूम भी मेरा पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुका है। बस यहाँ भी वॉल्स डोर के ऊपर कॉटन का क्लोथ है जो, उसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी डोर को गीले कॉटन के कपड़े से, तो अच्छे से ना दाग वगैरह जितने भी स्टेन्स होते हैं वो सब निकल जाते हैं। तो बाकी जितने भी ये हमारे स्टील की ये टैप्स वगैरह होती हैं, है ना, इनको भी हमें ना साथ के साथ कॉटन के क्लोथ से साफ़ करते रहना चाहिए, अदरवाइज़ इनके ऊपर इतने गंदे स्टेन्स लग जाते हैं ना जो कभी निकलते नहीं है, रस्ट जैसे लग जाते हैं। सो मैं क्लीन करती रहती हूँ। वॉशरूम पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, अभी दूसरे वाले बाथरूम का दिखाती हूँ। इधर भी पूरा अच्छे से मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया है, दोनों वॉशरूम्स बहुत ही चमक रहे हैं, वो देखिए सामने टाइल्स भी चमक रही हैं, सब नीट एंड क्लीन हो चुका है। बाकी वाला जो मेरा डिस्पेंसर है ना, हैंड वॉश डिस्पेंसर है जो, इसका ना ये बटन काम नहीं कर रहा, तो ये ना ऐसे खुल जाता है यहाँ से, तो अभी मैं इसमें फिल नहीं करूँगी, पहले हस्बैंड को दिखाऊँगी, वो इसको ठीक करेंगे। इसको अभी ऐसे ही रहने देती हूँ, यहाँ पे अलग से कोई हैंड वॉश फिल करके रख देती हूँ छोटी सी बॉटल में। तो चलिए अभी हैंड वॉश डाल लेती हूँ, बस अभी ना झाड़ू पोछा लगाना रह गया मेरा, बाकी सारे काम हो चुके हैं। लेकिन झाड़ू पोछा भी आप देख सकते हो, घर एकदम नीट एंड क्लीन है अभी भी, बट फिर भी झाड़ू पोछा तो लगाऊंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी। और दक्षु पूरी मस्ती कर रहा है, बैठा हुआ है आईपैड लेके, इसको भी पढ़ाऊंगी, थोड़ी देर खेल ले मस्ती कर ले, कोई चक्कर नहीं है। सो ऐसा मेरे पास एक और है, या तो फिर ये किचन वाला, ये किचन में भी मैंने रखा हुआ है, ये सब ना फिल करने के लिए पड़े हैं, इनमें हैंड वॉश डाल के मैं फिर इनको रखती हूँ। एक और है मेरे पास, वहाँ पे मैं सारा अपना ग्रॉसरी का आइटम रखती हूँ। तो
ये देखिए, ये मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था, काफी अच्छा रेट में ना मुझे ये 1.5 लीटर का मिल गया था, और संतूर का है। इसकी खुशबू भी बहुत बहुत मस्त होती है इसकी खुशबू। तो मैंने ना थोड़ी सी चीज़ें ग्रॉसरी की मंगवाई थी ऑनलाइन, काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिल गई थी। ये एक डिश वॉश, लिक्विड डिश वॉश है, तो ये मैं ना डायरेक्टली यूज़ नहीं करती, इसमें हल्का सा पानी मिक्स करके मैंने ना ये अलग डिस्पेंसर एक रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ये वाला लिक्विड डालती हूँ, थोड़ा पानी डालती हूँ, फिर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाती है, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा थिक। फिर इसको यूज़ करती हूँ बर्तन धोने में, ऐसे यूज़ करने में ठीक रहता है, लॉन्ग टाइम भी चलती है चीज़ और यूज़ भी हो जाती है। दोनों बॉटल्स यहाँ, एक मैंने वॉशरूम में रख, एक मैंने किचन में रख दी, एक वॉशरूम में रखूंगी, इस वाले एक उधर वाले। क्या दिखा रहे हो? मॉस्किटो? सच में वो देखो खून पीते हैं मॉस्किटो हमारा। हाँ जी ठीक है। इसको यहाँ रख देते हैं। सो बैक में पेन हो गया, थोड़ा सा लेट जाती हूँ, उसके बाद फिर झाड़ू पोछा लगेगा, देन फिर मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी। दोनों वॉशरूम्स मेरे क्लीन हो गए, 2:45 का टाइम हो रहा है अभी, और मैं पूरे मतलब 12:51 पे लगी थी, मतलब 1 बजने में जब 10 मिनट था ना तब लगी थी मैं काम करने में, मतलब वॉशरूम दोनों क्लीन करने के लिए, और अभी 3:15 है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए मुझे दोनों वॉशरूम्स क्लीन करने में। तो पता क्या बात है, लोगों को लगता है ना कि घर के काम करते करते मैं दिखा देती हूँ तो बहुत इजी मेरी व्लॉगिंग हो जाती है। गाइस, व्लॉगिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है, कभी करके देखना तब मतलब रियलाइज़ होगा कि कितनी ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है। एक तो होता है ना फटाफट से हम अपने काम में लग गए, काम किया और अपना एक धुन में लगे रहे, काम ख़त्म और छुट्टी। जब मुझे पता है ना कि अब मैंने व्लॉगिंग करनी है, साथ में वीडियो भी शूट करनी है, तो मुझे कैमरा एंगल को भी देखना पड़ता है। कभी काम छोड़ के आती हूँ, हाथ साफ़ करती हूँ क्योंकि हाथ गीले होते हैं, अलग अलग एंगल में वीडियो बनानी होती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जगह कैमरा रख दूँगी और सारी वीडियो शूट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मुझे ना हमेशा गीले होते हैं ना हाथ, तो हाथ साफ़ करो, हाथ सुखाओ, क्योंकि फ़ोन को टच करना होता है तो गीले की वजह से फ़ोन भी ख़राब ना हो, ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। तो कभी मतलब एक साइड का क्लिप ले लिया, फिर मुझे कैमरा उठा के दूसरी साइड रखना पड़ता है, दूसरी साइड का क्लिप ले लिया, फिर किसी और एंगल से मुझे क्लिप लेनी पड़ती है वीडियो की, तो फिर कैमरा उठाओ, एडजस्ट करो, ट्राईपॉड को ऊपर नीचे करो, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ट्राईपॉड में लगाती हूँ ना मैं बड़े वाले ट्राईपॉड में अपना फ़ोन, तो उसका भी सेटिंग देखनी पड़ती है, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मुझे ना 1 घंटा इस वॉशरूम को क्लीन करने में इसीलिए लग गया क्योंकि बीच में ना ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। फिर पूरे 2 घंटे में मैं 2 वॉशरूम क्लीन करके फ्री हुई हूँ क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करनी थी। मुझे कैमरा उठाओ, ट्राईपॉड उठाओ, उधर रखो, ऊपर नीचे का एंगल सेट करो, कहीं फेस ना कट रहा हो, कहीं टांगे ना कट रही हो वीडियो में, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लोगों को लगता है कि बस कैमरा रखा, शूट किया और मैंने काम भी कर लिया साथ साथ में, तो मैं मतलब बहुत ईजीली हो जाता है। ईजी नहीं है ये, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जो करता है ना काम अपना, उसी को पता होता है। हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ, मुझे ये लगा लो कि मैं ऑनलाइन मेरा वो ये वर्क है जो मुझे ये भी देखना पड़ता है। लोग ना ऐसे कमेंट कर देते हैं कि मतलब कैमरा रखा और काम भी हो गया साथ साथ में और वीडियो शूट हो गई, तो ऐसा नहीं होता गाइस। एक ही एंगल से अगर वीडियो बना दूँगी तो आप लोगों को मज़ा ही नहीं आएगा,
मेरी जो ऑडियंस है उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, एक ही साइड कैमरा रखा, काम किया, चलो जी छुट्टी, वो होता है इजी वे। बट मुझे वो नहीं करना, मुझे अलग अलग एंगल से अपनी वीडियो को इन्हेंस करना होता है कि मेरी वीडियो अच्छी बने और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं एंगल सेट करके वीडियो को शूट करूं ताकि आप सबको मज़ा आए देखने में और वीडियो भी थोड़ी प्रोफेशनल लगे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी उठा के रख दो और काम हो गया, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है, मेहनत का काम है, इजी काम नहीं है ये। घर के काम के साथ साथ मुझे अपना ये वर्क भी देखना पड़ता है, सो इसीलिए। होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।